इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म एबीसीडी 2 की खास स्क्रीनिंग मुंबई के एक थिएटर में रखी गई, जहां बी टाउन के कई सितारे पहुंचे हुए थे, जैसे सोनू सूद, प्रभु देवा, डेविड धवन, रेमो डिसूजा एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर अर्जुन कपूर के साथ नजर आए और वरुण ने अर्जुन की दाढ़ी को भी कैमरे में कैद करने के लिए कहा। डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने बताया अपनी एक्साइटमेंट के बारे में। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं कभी मेरी लाइफ में नहीं हुआ हूँ। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक कोई तो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। अब वापस पूरे साल काम करने के बाद, एक 6-7 महीने का गैप था, उसके बाद वापस सारी परिवार मिली है एबीसीडी की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म खत्म होने के बाद वरुण के डैड डेविड धवन ने भी कुछ ऐसी बातें कही। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बिग प्रोडक्शन है यू टीवी की तरफ से, रेमो हीरो है अपना, सब ने, सब आर्टिस्टों ने काम किया, प्रभु देवास वेरी गुड, वरुण गुड, श्रद्धा गुड, ऑल द बॉयज गुड। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के दोस्त अर्जुन कपूर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, फॉर मी इट्स स्पेशली इमोशनल बिकॉज प्रभु सर को देखते बड़ा हुआ, तो टू वॉच हिम डांस ऑन द बिग स्क्रीन इन 3D इज एन एक्सपीरियंस वर्थ जस्ट पेइंग टिकट मनी फॉर एंड कमिंग। दूसरी चीज़, वरुण मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है, तो एक इमोशन वो भी आता है जब वो अपने टैलेंट और हुनर को एक अलग लेवल पे ले जाता है। वरुण ने कसम खा ली है कि वो फ्राइडे की रिलीज से पहले कुछ नहीं बोलेंगे। फ्राइडे अभी नहीं बात करूंगा पापा, फिल्म के रिलीज होने के पहले कुछ नहीं बोलूंगा। वेल, हमारी तो यही विश है कि फिल्म को लोग इतनी पसंद करें जिससे कि रिलीज होने के बाद एटलीस्ट वरुण धवन कुछ बोलने के लिए मौजूद हों।